थैंक यू मेरे दोस्तों, आज मैं आप सबको लेके आया हूँ पेंगोंग लेक, जो कि लद्दाख में लेह में स्थित है। और आज की जो हमारी यात्रा थी, हालांकि काफ़ी टफ थी, नुब्रा से हम आए हैं लगभग 162 किलोमीटर चलकर, और रास्ता बड़ा ही टफ था। यानी मैं कह सकता हूँ कि हम नदी के बीच में से निकल के आए हैं, जहाँ पे कि बिल्कुल रोड नहीं थी, और लगभग हमने 60-70 किलोमीटर यात्रा केवल ऐसे ही तय करी मोटे मोटे पत्थरों के बीच में। और हमारी गाड़ी का क्षमता का भी इसी से पता चला। अब हम पेंगोंग लेक पहुंच चुके हैं, हमें बड़ी खुशी हुई है। पेंगोंग लेक लगभग मैंने जैसे बताया कि 62 किलोमीटर है वहाँ से नुब्रा से, और 165 किलोमीटर के करीब लगभग ले से है। और इस समय हम पेंगोंग लेक पे खड़े हैं। इसकी लंबाई लगभग 150 किलोमीटर है, जो कि 50 किलोमीटर इंडिया में स्थित है और लगभग 100 किलोमीटर चाइना में है। इसमें लगातार हमारे फौजी भाई सैनिक लगातार गश्त करते रहते हैं और हमारे देश की सुरक्षा करते रहते हैं। इसके पानी को जब आप देखेंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी आपको दिखाई देगा, जैसे कि पानी में पत्थर बिल्कुल साफ नज़र आएगा। और धूप के साथ साथ, हवा के साथ साथ, पेंगोंग लेक अपना रंग बदलती रहती है यहाँ पर। और हर एक व्यक्ति, हर एक टूरिस्ट जो यहाँ आता है लेह में, इस डेस्टिनेशन पर जरूर आता है इस खूबसूरती को देखने के लिए। और इसकी खूबसूरती मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कुदरत ऐसा नज़ारा कैसे बना सकता है, कैसे ऐसी झील तैयार कर सकता है जिसे देख के आदमी दंग रह जाए। मेरे को नहीं लगता किसी व्यक्ति के बस में है ऐसी झील बनाना। बहुत ही सुंदर दृश्य है इस समय पहाड़ों का और नदी का। आप देख सकते हैं कि इसमें इस समय डिफरेंट टाइप्स के कलर निकल कर आ रहे हैं। तो पक्षी भी इसके बीच में चल रहे हैं, और जो कि इसमें डुबकी लगा देते हैं उनको ठंडे पानी में रहने का मेरे को लग रहा है काफ़ी ये है। सर्दियों में जमी रहती है, ये बिल्कुल जम जाती है, आप इसके ऊपर चल भी सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू, आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। सफ़रनामा 0016। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।